बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, तो आइए पढ़ते हैं। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ठीक है, भूमि के बाद श्रम जो है वो उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। आपने ये सब व्यवस्था अपने गांव में भी देखी होगी कि जो छोटे किसान हैं, जिनके खेत छोटे हैं, अक्सर उन खेतों में उनके खुद के परिवार के लोग ही काम करते नज़र आते हैं। ठीक है, और जो बड़े और मझोले किसान हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो ऐसे किसान अपनी भूमि पर दूसरे भूमिहीन किसानों को किराए पर काम करवाते हैं और उन्हें उनकी दिहाड़ी मजदूरी देते हैं। तो आपने ये व्यवस्था देखी होगी। आइए चर्चा करें खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से आते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। खेतों में काम करने वाले काम करके अपने घर चले जाते हैं और अपनी मजदूरी ले जाते हैं, लेकिन जो फसल उत्पादित कर रहे हैं वो ज़्यादा है या कम है, इस पर श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं होता, जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है, या तो कैश पैसे दे देते हैं या फिर अनाज दे देते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में मिल सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएँ हैं। खेती में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। मतलब भूमिहीन का मतलब जिसके पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं है, तो वो जो है दैनिक मजदूरी पर काम करता है, दिन की मजदूरी पर, दिहाड़ी मजदूरी पर। इसका मतलब है उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है उसे रोज़ काम मिल रहा है। आज मिल गया, आज की मजदूरी मिल गई, कल का पता नहीं है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन, सरकार जो है खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को एक दिन का वेतन, कम से कम वेतन 300 रुपये देती है मार्च 2017 के अनुसार निर्धारित है। लेकिन डाला जो था उसको मात्र सरकार की तरफ से तो 300 रुपये पर डे मिलने चाहिए उसको, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्धा है, कंपटीशन है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि काम सबको चाहिए और इसीलिए सबको काम चाहिए, तो सब लोग जो है वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। आइए चर्चा करें डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर और मझोले उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार प्रवास अधिसंख्यक भारतीय गाँवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझोली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक गरीब क्यों हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इनके बारे में ऊपर पढ़ते हैं। ये है आपके डाला और रामकली। आजकल काम मिलना, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं,
और इनके प्रश्न सुनिए आप, फिर बाद में हम उन प्रश्नों का जवाब देंगे जो नीचे हमसे पूछे गए। ठीक है, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वह भी बहुत कम दिनों के लिए। ये बात कर रहा है डाला। ठीक है, घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मशीन आ गई है, अब सारा काम मशीन करेगी। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 महीने से भी कम समय काम किया था। ये आपकी जो है रामकली बोल रही है। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खर पतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खर पतवार नाशकों को छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय, अब ये डाला क्या बोल रहा है, मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुका पाऊँगा? मैं तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। फिर ये क्या कहती है, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। तो आपने इन दोनों की बातें सुनी, डाड़ा और रामकली के बीच की बात, और ये दोनों जो है गांव के सबसे निर्धन नागरिकों में से एक है। ठीक है, अब आप देखिए, आइए चर्चा करें। पहला प्रश्न क्या था इनका, निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है तो श्रमिक, गरीब श्रमिक क्यों हैं, क्यों एक तो समस्या क्या है कि इनको दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ये लोग, रोज़ का काम रोज़, आज काम मिल गया तो आज की मजदूरी तैयार होगी, कल का पता नहीं है, तो इनका जो काम है वो फिक्स नहीं है। दूसरी बात कि इनकी जो मूल वेतन सरकार 300 रुपये देती है, लेकिन इनको जो काम कराने वाले लोग हैं, जो इनके मालिक हैं, वो इनको 160 रुपये में ही काम करवा रहे हैं। ठीक है, वो भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बेरोज़गार बहुत है, लोग कम से कम पैसे में काम करने को तैयार है तो ज़्यादा पैसा कौन देगा, और ये लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये लोग काम करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मालिक तो अमीर होता ही रहेगा, लेकिन गरीब जो है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा क्योंकि उसे अगले दिन के काम का पता नहीं है। तो वो इस गरीबी का और इस बेरोज़गारी का एक प्रकार से सामना कर रहा है। बच्चों, ये सच्चाई है ज़िंदगी की भी और वर्तमान की भी, कि व्यक्ति के पास जब तक व्यक्ति बेरोज़गार है, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, और जब व्यक्ति के पास रोज़गार आ जाएगा तो गरीबी भी अपने आप को से दूर चली जाएगी। आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। आगे देखिए, गोसाईपुर और मझोले उत्तर गांव के दो बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में से 250 पुरुष है, और ये पुरुष लोग क्या है, पंजाब हरियाणा के गांवों में और दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर में काम कर रहे हैं। अपना गांव छोड़कर दूसरे गांवों में जाकर ये लोग बस रहे हैं। और क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरह का काम करते होंगे? क्योंकि इन्हें अपने गांव में काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए इन्हें दूसरे गांवों में जाकर के काम करना पड़ रहा है, और वहां पर भी ये छोटे प्रकार के छोटे मोटे गांवों में या किसानों के, भूमिहीन किसानों के रूप में ये मालिकों के और ज़मींदारों के यहां काम करते हैं, और कम पैसे में, कम मेहनताने में भी, मेहनत ज़्यादा और कम पैसे में इन्हें काम करना पड़ता है। ये दास और ग़ुलाम बन कर के उनके बागानों में भी काम करते हैं। अब आप आगे देखिए, खेती के लिए, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अधिसंख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। ठीक है, कर्जा चुकाने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। उसके बाद अब इसकी एक कहानी सुनिए आप, सविता की कहानी क्या है। सविता एक लघु कृषक है, वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती और औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। ठीक है,
उसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय करती है। 3,000 रुपये ज़रूरत है और उसको अब कर्ज लेना पड़ेगा, पैसा नहीं है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है कि 24% की दर पर ब्याज देना पड़ेगा और 4 महीने के लिए कर्ज दे रहा है, जो ब्याज की दर बहुत ऊँची ही है। सविता को ये भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में, जब कटाई का मौसम आएगा तो उसके खेतों में एक मजदूर के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। ठीक है, आप भी कह सकते हैं कि ये मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही कठिन है। तो ये एक प्रकार से उसकी मजबूरी है कि उसे उस जो सेठ है उसका, उसके यहाँ तेजपाल के यहाँ काम भी करना होगा, अपने घर का भी काम करना होगा, बच्चों को भी संभालना होगा और अपने खेत का भी काम उसको करना होगा, क्योंकि आसानी से कोई भी व्यक्ति ब्याज नहीं देता है, पैसा देने को तैयार नहीं देता। तो छोटे किसान कर्ज ना मिलने की वजह से भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। दूसरा देखिए, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। तो देखो, आप अब तक की कहानी हमने उत्पादन के 3 कारक पढ़े हैं अभी तक बच्चों, भूमि, पूंजी और श्रम, और खेती के बारे में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गाँव में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है आपका, श्रम के विपरीत उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है पूंजी। कृषि क्षेत्र कृषि भूमि का क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी समान रूप से असमान रूप से खेती में लगे लोगों में बटी हुई है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान और जो ज़मींदार है उन किसान और मजदूरों का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती की आधुनिक विधियों में उन्नति की अत्यंत आवश्यकता होती है, पूंजी की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, इसीलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। भूमि और पूंजी दोनों ही दुर्लभ है। उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है और वो है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है जबकि पूंजी मानव निर्मित। पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर है, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती के प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह देखभाल कर सकें। ठीक है,